सनसनी। बालिका गृह में लड़कियों के अंगों का सौदा। लग रहा है कि बड़ा वाला ऑपरेशन हो गया है, इसमें कहीं भीतर उसका किडनी निकाल लिया होगा। रेप कांड के राक्षस पर स्याही। कहाँ है गुलाम लड़कियों की जल्लाद? कोई रिश्ता नहीं, कभी कोई रिश्ता नहीं रहा मधु का। 17 फोन कॉल से खुलेगा घिनौना राज। नहीं नहीं, किसी किसी बिंदु पर बात हुई है, पॉलिटिकल इशू पर बात हुई। बालिका नर्क लोक की सीक्रेट कहानी। हाथों में हथकड़ी और चारों तरफ पुलिस का घेरा। ये वही ब्रजेश ठाकुर है जिसके घिनौने कांड की कहानी ने पूरे देश को दहला दिया है। मुजफ्फरनगर के जिस बालिका गृह में छोटी छोटी लाचार बच्चियां रहती थीं, उन्हीं बच्चियों को इसने कैसे अपनी शर्मनाक हरकतों का शिकार बनाया? वो कौन है जिसके सहारे ब्रजेश ठाकुर अपने काले कांड को दुनिया से छुपाता रहा? मंगलवार के दिन बच्चियों के रेप कांड के मास्टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर को जब कोर्ट में पेश किया गया, तो लोगों की भारी भीड़ मानो उससे यही सवाल पूछना चाहती थी। लोग भारी गुस्से में थे। वो बच्चियों के बलात्कार कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को खुद सजा देना चाहते थे। लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच ब्रजेश ठाकुर को ले जा रही थी, लेकिन इसके बाद भी एक महिला सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए उसके करीब पहुंच गई, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो ब्रजेश ठाकुर के चेहरे पर काली स्याही फेंक कर भाग गई। कौन है वो महिला जो पुलिस के तमाम सुरक्षा इंतजामों के बावजूद ब्रजेश ठाकुर तक जा पहुंची और फिर उसके चेहरे पर काली स्याही फेंक कर भाग गई? हम आपको यह बताएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि स्याही कांड के बाद मीडिया के कैमरों के सामने रेप कांड के आरोपी ब्रजेश ठाकुर ने अपने बिग कनेक्शन के बारे में क्या खुलासा किया। लेकिन उससे पहले सुनिए यह डरावनी कहानी। जिस्म पर जख्म है, आंखों में लहू उतरा है, आज तो रूह भी लर्जा है मेरी। जहन पत्थर की तरह सख्त तो बेजान सा, मफलूज सा, बेहस बेकार, जिसमें चीखों के सिवा कुछ भी नहीं। दर्द की यह कहानी मुजफ्फरपुर के बालिका गृह की रहने वाली बेबस बच्चियों की है। वो बच्चियां जो ब्रजेश ठाकुर के घिनौने खेल की शिकार बनी। अब तक की जांच के बाद यह सामने आया है कि बालिका गृह की 34 बच्चियां हैवानियत की शिकार बनी हैं। आरोप है कि ब्रजेश ठाकुर अपनी सबसे बड़ी राजदार मधु के जरिए बच्चों को शिकार बनाता था। मधु ही मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में बच्चियों को नींद की गोलियां खिलाकर उनका बलात्कार करवाती थी। और अब ऐसी ही एक डरावनी कहानी बेगूसराय जिले के बालिका गृह से आई है। आरोप है कि बेगूसराय के बालिका गृह में मानव अंगों की तस्करी का रैकेट चलता है, और उसी रैकेट की शिकार बनी है 8 साल की ये बच्ची। 8 साल की इस बच्ची के घर वाले बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं। घर वालों के मुताबिक पेट पर सर्जरी के ये गहरे निशान उनकी लाडली के साथ हुई हैवानियत की निशानी है।
घर वालों का आरोप है कि उनकी बेटी जब बेगूसराय के बालिका गृह में थी, उसी वक्त मानव अंगों की तस्करी का रैकेट चलाने वाले संचालक ने उनकी बेटी की किडनी निकाल ली। मोतिहारी पहुंचे, वहां गए तब बच्ची से भेंट हुआ, वहां पर हम लोग कुछ नहीं देखा, सिर्फ छोटी लेकर अब बच्ची के साथ में लेकर घर पर पहुंचे थे, इसका देखा कि ऑपरेशन हुआ है। हमको शंका यही लग रहा है कि बड़ा वाला ऑपरेशन हो गया है, तो उसमें कहीं भीतर उसका किडनी निकाल लिया होगा। बच्ची के पिता की शिकायत पर अब पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अगर छानबीन के बाद बेगूसराय के बालिका गृह में मानव अंगों की तस्करी के रैकेट के सबूत मिले तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बच्ची के पिता का फर्द बयान लिया जा चुका है और इसके बाद में इसका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। मेडिकल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या सच्चाई है। मेडिकल होने के बाद में जैसे रिपोर्ट आएगा उसी के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बिहार के बेगूसराय जिले के बालिका गृह में मानव अंगों की तस्करी के रैकेट का सच क्या है, इसका खुलासा तो पुलिस की पूरी तहकीकात के बाद ही होगा। और अब कहानी एक बार फिर मुजफ्फरपुर रेप कांड की, उस कांड की जिसमें मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर ने किया है यह सनसनीखेज खुलासा। हाथों में हथकड़ी और चारों तरफ पुलिस वालों से घिरे ब्रजेश ठाकुर की इस खसक भरी चाल को देखकर कोई भी ये अंदाजा लगा सकता है कि इसे अपने किए का कोई भी अफसोस नहीं है। जरा सुनिए, जिस मधु नाम की महिला को इसका सबसे बड़ा राजदार बताया जाता है, उसके बारे में इसका क्या कहना है? मधु वर्मा से क्या आपका लेना है? मधु वर्मा से क्या संबंध? सुना आपने, जिस मधु को बालिका गृह की बच्चियां डर्टी आंटी कहती थी, जो ब्रजेश ठाकुर के एनजीओ की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, जिसके बारे में बच्चियों ने ये खुलासा किया था कि वही उन्हें जबरन ब्रजेश ठाकुर के पास घिनौने काम के लिए भेजती थी, उस मधु के बारे में ब्रजेश ठाकुर का कहना है कि वो तो उसे जानता तक नहीं। कोई रिश्ता नहीं, कभी कोई रिश्ता नहीं रहा मधु का। यही सब तो अखबार की देन है। हमारे अखबार के कारण उनका विज्ञापन कमजोर है, इस कारण से कुछ छाप छाप रहे। मधु कहाँ की है, क्या है, नहीं है, हमारे यहाँ कार्य करती थी स्टार्टिंग, वह बामा शक्ति नाम की एक संगठन बनाई और वहाँ काम करने लगी। नहीं, बिल्कुल गलत, एक भी प्रमाण नहीं मिल सकते हैं आप। बच्चियों के रेप कांड का आरोपी ब्रजेश ठाकुर अपनी सबसे बड़ी राजदार मधु को नहीं जानने की बात कर रहा था और उसी वक्त एक महिला सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए वहां तक पहुंची और पलक झपकते ही उसके चेहरे पर काली स्याही फेंक कर भाग गई। मौके पर मौजूद तमाम पुलिसकर्मी देखते रह गए और वो महिला ब्रजेश ठाकुर के चेहरे पर स्याही फेंक कर लोगों की भीड़ में गुम हो गई। बताया जाता है कि ब्रजेश ठाकुर के चेहरे पर काली स्याही फेंकने वाली महिला का संबंध एक राजनीतिक पार्टी से है। और अब सुनिए, रेप कांड में खुद को बेगुनाह बताते हुए आरोपी ब्रजेश ठाकुर ने क्या कहा? आपको राजनीति का शिकार बनाया जा रहा क्या? मैं कांग्रेस में जाने की सोच रहा था और मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ने के लिए लगभग मेरा स्थिति फाइनल था दिल्ली स्टेट पर, इसी का वह भड़ास निकाल रहा है। एक भी लड़की हमारे खिलाफ बयान नहीं दी है, आप केस डायरी उठा के पढ़ लीजिए। सुना आपने, बालिका गृह रेप कांड का आरोपी ब्रजेश ठाकुर क्या कह रहा है? इसका कहना है कि इसने कोई जुर्म नहीं किया है और एक षड्यंत्र के तहत इसे फंसाया गया है, लेकिन इसे किसने फंसाया, इसका कोई भी जवाब इसके पास नहीं है। सीबीआई की छानबीन के बाद खुलासा हुआ है कि ब्रजेश ठाकुर नीतीश सरकार में मंत्री मंजू वर्मा के पति चंदेश्वर वर्मा से अक्सर बातें करता था। 5 महीने में ब्रजेश ठाकुर ने चंदेश्वर वर्मा से 17 बार लंबी बात की थी। और अब सुनिए, मंत्री के पति के साथ अपने संबंधों के खुलासे पर ब्रजेश ठाकुर ने क्या कहा? बात हुई है 35 बार,
नहीं नहीं किसी किसी बिंदु पर बात हुई है, पॉलिटिकल इशू पर बात हुई है, किसी कार्यवश बात कभी नहीं हुई आज तक उनसे। कोई ऐसा परिचय भी मेरा नहीं है उनसे। ब्रजेश ठाकुर ने नीतीश सरकार में मंत्री मंजू वर्मा के पति के साथ अपने कनेक्शन का जैसे ही खुलासा किया, सियासी गलियारों में तूफान आ गया। ब्रजेश ठाकुर ने मीडिया के कैमरे पर दोपहर 12 बजे मंजू वर्मा के पति से संबंध की बात कबूल की और 4.5 घंटे बाद शाम 4:30 बजे मंजू वर्मा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। सीबीआई जैसी स्वच्छ एजेंसी पर और माननीय उच्च न्यायालय पर कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, मेरे प्रति निर्दोष है और निर्दोष साबित होंगे।